हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। एंड यस, यू हैव टू बी सब्सक्राइब टू री एकेडमी बिकॉज हम लोग यहाँ पे सिर्फ ईपीएफओ को टारगेट करके लेक्चर बना रहे हैं और ईपीएफओ एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही लेक्चर आपको मिल रहे हैं। मैं और जैसे कि यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए लेक्चर अभी नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ इस एग्ज़ाम की इंपॉर्टेंस आपके लिए क्या है। सिंगल एग्ज़ाम है, रिजल्ट हो गया तो 80 से 90 हज़ार रुपये कमाओगे पर मंथ, लाइफ चेंज होने वाली है आपकी। तो इसीलिए आपको ज़रूरत है कि आप री एकेडमी को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही वो चीज़ें जो आप शायद नहीं पढ़ रहे थे एग्ज़ाम के लिए, उन चीज़ों पे मैं लेक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हम लोग करने वाले हैं एवरीडे साइंस से एमसीक्यू, पार्ट टू होने वाला है। पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से देख लो, पीछे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। 2017 में साइंस से देखो क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स से आते हैं, केमिस्ट्री से आते हैं, बायोलॉजी से आते हैं, टोटल 10 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर। और लगभग अगर बात किया जाए कि अगर क्लासिफाई किया जाए कि एवरीडे साइंस से कितने क्वेश्चन बनते थे, तो 4 ऐसे क्वेश्चन थे लास्ट ईयर 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 4 ऐसे क्वेश्चन थे जिसे आप एवरीडे साइंस से कह सकते हो। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्ज़ाम के लिए, इस बार भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने, वाइट कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो मिल्क होता है वो वाइट कलर का होता है और इसका रीज़न क्या है। ऑप्शन ए है लैक्टोज, ऑप्शन बी एल्बुमिन्स, ऑप्शन सी कैरोटीन्स, ऑप्शन डी कैसिन्स। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कैसिन्स। कैसिन्स एक मिल्क प्रोटीन है और देखो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट आपका कह सकते हो पार्ट है जिसकी वजह से मिल्क का कलर वाइट होता है, ठीक है, कैसिन। और एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है कि जो मिल्क होता है वो कर्ड जो बनता है, मिल्क से जो कर्ड बनता है उसके बीच में कौन सा बैक्टीरिया होता है जो काम करता है। तो उसका आंसर क्या है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लैक्टोबैसिल्स, ठीक है। लैक्टोबैसिल्स वो बैक्टीरिया होता है जो दूध को दही बनाता है, ठीक। अच्छा, ये जो मिल्क प्रोटीन है, फॉर एग्जांपल देखो, एक जो होता क्या है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, वो कई बार क्या होता है, वो दूध पीने के बाद उनके मुँह से झाग निकलता है वाइट कलर का। वो जो झाग निकलता है ना, तो जनरली पेरेंट्स डर जाते हैं, डरने वाली बात नहीं होती है, वो मिल्क में जो कैसिन होता है वो जो बच्चे होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं अच्छे से, ठीक है, इसीलिए उनके मुंह से वो मिल्क प्रोटीन निकलता है, इसका नाम होता है कैसिन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो जो ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करता है, जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है उसको पीने लायक वाटर बनाने के लिए कौन सा यहाँ पे गैस यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी फ्लोरीन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्लोरीन। क्लोरीन वो यहाँ पे केमिकल है, गैस है, जो प्यूरीफाई करता है पानी को, पीने लायक बनाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्लोरीनेशन भी कहते हैं, ठीक है। जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है उसको ड्रिंकिंग वाटर में जो प्रोसेस काम करता है उसे क्लोरीनेशन भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और कितना अमाउंट में क्लोरीन गैस डालना है कंटेमिनेटेड वाटर में, ये डिपेंड करता है कि वाटर में जो कंटेमिनेशन है वो कितना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा क्वालिटी ख़राब होगा पानी का, उतना ज़्यादा क्लोरीन गैस लगेगा पानी को साफ करने में, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए। फॉर एग्जांपल ये पीसीएस का एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस का। सारे क्वेश्चन ऐसे ही किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वही करवा रहा हूँ मैं। एनडीए के क्वेश्चन है यहाँ पे, पीसीएस के क्वेश्चन है, बिहार पीसीएस के हैं, राजस्थान पीसीएस के हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एक एक एग्ज़ाम में नहीं बल्कि ये 4 से 5 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 है, सम मेरीन एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स एमिट लाइट फ्रॉम देयर बॉडी इन डार्कनेस, दिस फिनोमेना इज नॉन एज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है फॉस्फ्रिसिन, ऑप्शन बी बायोल्यूमिनेसिन, ऑप्शन सी दोनों ही ऊपर के, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ।
ऊपर के ये दोनों फॉस्फोरसिन और बायोलुमिनेसिन, ये दोनों ही क्या है, फिनोमेना है जिसकी वजह से जो मैरीन एनिमल है वो लाइट एमिट करते हैं डार्कनेस में। तो वो मैरीन एनिमल जो लाइट एमिट करते हैं डार्कनेस में उसे कहते हैं ल्यूमिनेसेंट, बायोल्यूमिनेसेंट भी कहते हैं जो एनिमल्स आपको लाइट एमिट करते हैं। अब बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जेलीफिश होती है, स्टारफिश होते हैं, स्टारफिश नहीं लेकिन और भी बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, एल्गे होते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइट एमिट करती हैं, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो लाइट एमिट करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, मोस्टली इसे बायोल्यूमिनेसेंस बोला जाता है, लेकिन ये दोनों ही होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सेटिंग सन एंड राइजिंग सन अपीयर्स रेड ड्यू टू, जो सेट जो ढलता सूरज है और जो उगता हुआ सूरज होता है और जनरली रेडिश दिखता है, इसका रीज़न क्या है? ऑप्शन ए स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन बी डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ऑप्शन सी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन डी कन्वेक्शन ऑफ लाइट। गिवन में से करेक्ट आंसर चूज करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन ए स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक प्रिंसिपल काम करता है, इसको बोलते हैं राइलिश लॉ। अब जो राइलिश लॉ है कहता है कि जो स्कैटरिंग होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/4 पावर ऑफ वेवलेंथ के, ठीक है, जो वेवलेंथ होता है उसका पावर 4 कर दो और इन्वर्स कर दो किसका, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो जिस लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, जो लॉन्गर वेवलेंथ की जो लाइट होती है, फॉर एग्जांपल रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ये बहुत ही कम स्कैटर्ड करते हैं, ये बहुत ही कम स्कैटर्ड करते हैं, और इसके विपरीत जो आपका वायलेट हो गया, इंडिगो, ब्लू, ये काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड करते हैं, ठीक है। यही कारण है कि जो सन होता है, राइजिंग सन और सेटिंग सन, रेड इसलिए दिखता है क्योंकि रेड का वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है और वो कम स्कैटर्ड करता है, ठीक है, इसलिए वो रेडिश दिखता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेफ्टी मैचेस। अब ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, मैंने क्लास 6th के एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन देखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेफ्टी मैचेस, जो माचिस हम घरों में यूज करते हैं उसमें क्या यूज़ किया जाता है, गिवन में से क्या यूज़ किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती है वैसे, लेकिन गिवन में से क्या यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए डाई फॉस्फोरस, ऑप्शन बी ब्लैक फॉस्फोरस, ऑप्शन सी रेड फॉस्फोरस, या ऑप्शन डी स्कारलेट फॉस्फोरस। तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रेड फॉस्फोरस। तो जो रेड फॉस्फोरस है वो यूज़ किया जाता है सेफ्टी मैचेस को बनाने में, ठीक है। इसके अलावा बहुत और भी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है और सल्फर का यूज़ किया जाता है, तो ये वो चीज़ें हैं कुछ जिनका यूज़ करके माचिस जो आपके घरों में यूज़ होता है उसे बनाया जाता है, लेकिन रेड फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी थ्रू फॉग। जो फॉग होता है, फॉग तो अभी नहीं चल रहा है, सर्दियों में चलेगा, लेकिन जब फॉग होता है उसमें क्या होता है, हमें कुछ भी क्लियर नहीं दिखता है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है किसका रीज़न क्या है। ऑप्शन ए रेज ऑफ लाइट सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फॉग ड्रॉपलेट्स, ऑप्शन बी है रेज ऑफ लाइट आर स्कैटर्ड बाय द फॉग ड्रॉपलेट्स, ऑप्शन सी है फॉग ड्रॉपलेट्स ऑब्जर्व लाइट, ऑप्शन डी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अ फॉग इज एक्सट्रीमली हाई। तो आपको यहाँ पे अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको टर्मिनोलॉजी में नहीं जाना है, काफ़ी आसानी से सोचना है, दिमाग लगा के सोचना है कि रीज़न क्या है। तो रीज़न इसका क्या है आपको यहाँ पे बताना है ऑप्शन ए बी सी डी में से। तो इसका राइट आंसर है, देखो यहाँ पे अगर आपने टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़ी है, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर चैप्टर नहीं पढ़े हैं, 11th में है ये चैप्टर वगैरह रिफ्लेक्शन का, 10th में भी है, 10th की आप एनसीईआरटी में भी इसका आंसर खोज सकते हो, लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको बेसिक दिमाग ये लगाना है कि हमें वही ऑब्जेक्ट दिखती है जिस पे जो सनलाइट होती है, जो रेज होती है वो पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ आपको दिख रही है तो इसलिए दिख रही है क्योंकि वो रेज को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, इसलिए वो आपको वो चीज़ें दिख रही हैं। तो कब नहीं दिखेगी, ठीक है, कब नहीं दिखेगी, जब रेज क्या हो जाएंगे उस पर डायरेक्टली नहीं पड़ेंगे, वो
स्कैटर्ड हो जाएंगे, वो बिखर जाएंगे, उस ऑब्जेक्ट पे पड़ेंगे नहीं। इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी, रेज ऑफ लाइट आर स्कैटर्ड बाय द फॉग ड्रॉपलेट्स। तो फॉग ड्रॉपलेट्स की वजह से जो लाइट होती है वो स्कैटर्ड हो जाती है और हमें फॉग में कुछ नहीं दिखता है, पीछे क्या है आगे क्या है हमें फॉग में नहीं दिखता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ अ शिप मूव्स फ्रॉम द फ्रेश वाटर इनटू सी वाटर इट विल। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे कह रहा है जो शिप है, जहाज जो है, वो फ्रेश वाटर से सी वाटर में जाता है, ठीक है, सी वाटर में जाता है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? क्या वो जहाज सिंक कम्प्लीटली, क्या वो जहाज डूब जाएगा, क्या वो जहाज सिंक अ लिटिल बिट, थोड़ा डूबेगा, या ऑप्शन सी राइज अ लिटिल हायर, या ऑप्शन डी रिमेन अनचेंज्ड। तो इसका आंसर आपको बताना है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर है, देखो ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है लेकिन ये एवरीडे साइंस का क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। फिजिक्स कहता है यहाँ पे एक फोर्स काम करता है जिसको बोलते हैं बायोंट फोर्स, बायोंसी फोर्स भी जिसको बोलते हैं। कोई ऑब्जेक्ट जब हम उसको पानी में डालते हैं तो वो क्या करता है, पानी को डिस्प्लेस करता है, और जितना पानी का डेंसिटी होता है उस हिसाब से वो डिस्प्लेस करता है, और पानी नीचे से उतना ही फोर्स लगाता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है पानी की डेंसिटी में। फॉर एग्जांपल आप बिल्कुल फ्रेश वाटर लो जो आपके घरों में आता है, वॉशरूम में आता है पानी, वो पानी लो, उस पानी में कुछ डालो, ठीक है, फूल पत्तियाँ कोई हल्की ऑब्जेक्ट ही डाल के देखो, तो आप देखोगे कि वो फ्रेश वाटर है तो वो नीचे सिंक करेगा, वो चीज़ नीचे सिंक करेगी या नीचे आकर बैठ जाएगी। लेकिन वही आपको मडी वाटर ले लो, गंदा पानी ले लो, ठीक है, जिसमें जिसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो, उसमें देखना अगर आप वो चीज डालोगे तो वो ऊपर ही फ्लोट करने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ काम करता है बायोंट फोर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो फ्रेश वाटर में फ्रेश वाटर की डेंसिटी काफ़ी कम होती है रिस्पेक्टिव किसके, सी वाटर के, सी वाटर की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा ये कंडेंस होता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो गाढ़ापन होता है, किसके रिस्पेक्ट में, फ्रेश वाटर के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा, अब देखो फ्रेश वाटर की डेंसिटी कम है तो ये बायोंट फोर्स कम लगाएगा, ठीक है, ये पानी जो होता है जो फोर्स लगाएगा जहाज पे, ये फोर्स कम लगता है फ्रेश वाटर में। लेकिन सी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो डेंसिटी के कारण यहाँ पे बायोंसी फोर्स जो होता है, बायोंट फोर्स जो होता है वो भी ज़्यादा लगेगा। तो जो सी वाटर का पानी है वो ज़्यादा प्रेशर देगा ऊपर, फोर्स लगाएगा जहाज पे, तो जहाज क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो जहाज की जो हाइट होगी वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है, राइज अ लिटिल हायर, ठीक है। तो इसका आपको याद रखना है। तो बायोंट फोर्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, डेंसिटी ऑफ फ्लूड के, ठीक है, डेंसिटी ऑफ फ्लूड के। तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, बस ये हो रहा है कि डेंसिटी ज़्यादा है तो जो बायोंट फोर्स भी है वो सी वाटर में थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, इसीलिए जहाज थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिफोर एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द स्टमक पेशेंट्स आर गिवन सुटेबल सॉल्ट ऑफ बेरियम बिकॉज। अगर आपने कभी करवाया हो, मुझे तो याद नहीं कि कभी मैंने बेरियम का यूज़ करा होगा हमने, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जब एक्सरे होता है स्टमक का तो पेशेंट को बेरियम दिया जाता है, बेरियम खिलाया जाता है थोड़ा सा, ये क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए है, बेरियम सॉल्ट्स आर वाइट इन कलर एंड दिस हेल्प स्टमक टू अपीयर क्लियरली। बेरियम का कलर सफ़ेद होता है और ये क्या करता है, सफ़ेद कलर की वजह से ये क्या करता है, स्टमक को साफ दिखाता है, साफ मतलब अच्छे से दिखाता है। ऑप्शन बी है, बेरियम इज़ अ गुड ऑब्जर्वर ऑफ एक्सरे एंड हेल्प स्टमक टू अपीयर क्लियरली। बेरियम एक्सरे का एक अच्छा ऑब्जर्वर है, एक्सरे को ऑब्जर्व करता है, इसीलिए स्टमक क्लियरली दिखाई देता है। ऑप्शन सी, बेरियम सॉल्ट्स आर इजीली अवेलेबल। क्या बेरियम आसानी से मिल जाता है दुकान वगैरह में, शॉप पे, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। या ऑप्शन डी, बेरियम अलाउज एक्सरे टू पास थ्रू द स्टमक। या बेरियम जो है एक्सरे को स्टमक से पास कर देता है, मतलब पेट पे अगर पड़ रहा है तो पेट से निकल जा रहा है, तो क्या ये ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं होगा। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट वही वाला आता है कि हमें वही चीज़ दिखती है जहाँ से क्या हो, जो क्या होगा आपको ऑब्जर्व करेगा लाइट। फॉर एग्जांपल बेरियम क्या है, यहाँ पे अगर गुड ऑब्जर्वर होगा, एक्सरे को ऑब्जर्व करेगा, तभी तो जो स्टमक होगा वो क्लियरली दिखाई देगा। अगर अलाउ ही कर देगा कि पास हो जाओ तो दिखाई कैसे देगा, तब तो वो ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, बेरियम इज़ अ गुड ऑब्जर्वर ऑफ एक्सरे एंड हेल्प स्टमक टू अपीयर क्लियरली। क्वेश्चन नंबर 29 है, By what mechanism does scent appear all over the room if the lid is opened?
जो सेंट होता है, जो परफ्यूम होता है, अगर आप क्या करते हो, ढक्कन को खोलते हो, ठीक है, परफ्यूम के, तो रूम में खुशबू आ जाती है, ठीक है, वो स्प्रेड कर जाता है वो परफ्यूम, वो सेंट। इसका रीज़न क्या है? ऑप्शन ए प्रेशर इन द बॉटल, ऑप्शन बी कंप्रेशन फ्रॉम द बॉटल, या ऑप्शन सी डिफ्यूजन, या ऑप्शन डी ऑस्मोसिस। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये भी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डिफ्यूजन, ऑप्शन सी डिफ्यूजन, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी डिफ्यूजन। तो होता क्या है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे, जो सेंट के पार्टिकल होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, इंटरमिंगल करेंगे, जो एटमोसफेयर में जो पार्टिकल है उनके साथ डिफ्यूज कर जाएंगे, और जिस वजह से आपके घर का माहौल क्या हो जाता है, खुशनुमा हो जाता है, ठीक है। प्रेशर और कंप्रेशन का यहाँ कोई ऐसा सच यूज़ नहीं है। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी 11th या 12th में, तो वहाँ सोल्यूशन का चैप्टर है। जैसे फॉर एग्जांपल आरओ वाटर हम लोग पीना चाहते हैं हमेशा, कि आरओ वाटर है तो वही पीना। आरओ मतलब क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो सॉल्यूट होते हैं उन्हें छांट लिया जाता है सॉल्वेंट में से। फॉर एग्जांपल जो पार्टिकल्स होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो कंटेमिनेटेड पार्टिकल, जो हमें नहीं चाहिए, जो हमारे लिए हानिकारक है, ख़राब है, उन्हें उस लिक्विड में से हटाने के प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20-30 देखते हैं। व्हेन एन इनसेंडिसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज, जब एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है हमारे घरों में जो होता है, जब वो ग्लो करता है तो क्या देखने को मिलता है हमें? द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड इंटू लाइट। ऑप्शन बी द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज पार्शली कन्वर्टेड इंटू लाइट एंड पार्शली इंटू हीट एनर्जी। ऑप्शन सी द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू मैग्नेटिक एनर्जी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, आप अपने घर के बल्ब को एक बार टच करके देखो, आपको पता लगेगा कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसकी वजह से हमें लाइट तो मिलती ही है, घर में रोशनी तो होती है, और वो बल्ब अपने आप में क्या होता है, थोड़ा गर्म भी होता है, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। कम्प्लीटली लाइट में कन्वर्ट नहीं करता है, अगर ऐसा होता तो वो गर्म नहीं होते, ठीक है, बल्ब जो होते हैं वो थोड़े गर्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। सी क्या है कि लाइट एनर्जी, ये तो उल्टा हो गया यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक, क्या वो उसमें चुंबकीय शक्ति आ जाती है? तो ये भी गलत है यहाँ पे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन्स आर यूजुअली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स इन ऑर्डर टू, क्यों? अच्छा, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं जनरली? वो बने होते हैं टंगस्टन के, आपको ये याद रखना है, वो बने होते हैं टंगस्टन के, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है कि नाइट्रोजन और आर्गन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ किए जाते हैं, क्यों यूज़ किए जाते हैं ये? इसका राइट आंसर है, अच्छा इस राइट आंसर बताना है, इसका ऑप्शन है आपके पास, इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमिटेड, वो लाइट के एमिशन की इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, या ऑप्शन बी इंक्रीज द लाइफ ऑफ द फिलामेंट, या ऑप्शन डी मेक द एमिटेड लाइट कलर्ड, या ऑप्शन डी मेक द प्रोडक्शन ऑफ बल्ब इकोनॉमिकल। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंक्रीज द लाइफ ऑफ फिलामेंट। देखो, जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, वो फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। इसके अलावा बात किया जाए तो जो इनर्ट गैस होती है वो क्या करती है, वो प्रिवेंट करती है कि फिलामेंट जो होता है वो अब इवेपोरेट ना हो जाए, वो फिलामेंट जो होता है वो उसका वाष्पीकरण ना हो जाए, वो उड़ ना जाए, वो टूट ना जाए, तो अंदर में वो बैलेंस बना के रखती है। ये इनर्ट गैस होती है ऑर्गन वगैरह, ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, फिलामेंट की लाइफ को इनक्रीज करते हैं, तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 है, अ वुमन डिजायर टू क्लीन द सरफेस ऑफ हर गोल्ड ऑर्नामेंट्स बाय अ केमिकल अप्रोच, फॉर दिस शी रिक्वायर्स टू यूज। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो वुमन है वो अपने ज्वेलरी जो है गोल्ड की, उसे साफ, उसकी सरफेस को साफ करवाना चाहती है, तो वो इनमें से कौन से केमिकल का यूज करेंगी? ऑप्शन ए एक्वा रेजिया, ऑप्शन बी कंसंट्रेटेड H2SO4, ऑप्शन सी कंसंट्रेटेड NaOH, या ऑप्शन डी सोडियम ट्राई सल्फेट सोल्यूशन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया जो होता है वो एक मिक्सचर होता है जो कि बना होता है
कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक मिक्सचर होता है एक्वा रिजवा। बात करें कितने जो अमाउंट में मौजूद होता है, तो ये 1:3 का होता है। वन मॉलिक्यूल अगर नाइट्रिक एसिड है तो 3 मॉलिक्यूल क्या होगा आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। इस रेशियो में प्रेजेंट होता है ये मिक्सचर, और ये मिक्सचर क्या होता है कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होता है, जो कि साफ़ करने का काम आता है सरफेस को, गोल्ड किसी भी ज्वेलरी या गोल्ड ऑर्नामेंट का जो सरफेस होता है उसे साफ करने के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड अ न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर। गिवन में से न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर में क्या नहीं होगा या क्या नहीं हमें चाहिए। ऑप्शन ए मॉडरेटर, ऑप्शन बी कूलेंट, ऑप्शन सी एक्सेलरेटर, ऑप्शन डी कंट्रोल डिवाइस। ये भी अच्छा आसान क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियर फिजन का चैप्टर वगैरह, लूसेंट वगैरह में भी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, टॉपिक्स मिल जाएंगे न्यूक्लियर फिजन वगैरह के, तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि हमें देखो न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया ये काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ हमें एक्सेलरेट करने की तो ज़रूरत पड़ती नहीं, हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती ना कि एक्सेलरेट करने की ज़रूरत पड़ती इस प्रोसेस को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मॉडरेटर हमें चाहिए, ठीक है, मॉडरेटर हमें चाहिए, कूलेंट हमें चाहिए, वाटर का यूज़ किया जाता है यहाँ पे कूल करने के लिए, कंट्रोल डिवाइस भी हमें चाहिए। तो इन चीज़ों का यूज़ यहाँ पे होता है, अदर का यूज़ यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो सर्फ ग्रेफाइट होता है और जो हैवी वाटर होता है उसका यूज़ किया जाता है मॉडरेटर के लिए, तो ग्रेफाइट और हैवी वाटर का यूज़ किया जाता है आपका मॉडरेटर के लिए, ठीक है। कैडमियम और बेरियम बोरॉन का यूज़ किया जाता है आपका कंट्रोल डिवाइस के लिए, इसके अलावा कूलेंट है, और एक्सेलेरेटर का यूज़ नहीं होता है क्योंकि ये प्रोसेस अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे हमें अभी भी ह्यूमन क्या है इसको अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो और ऊपर से एक्सेलरेट क्यों करेगा वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच वन अमंग द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग बोट्स बिकॉज इट डज नॉट कोरोड बाय द सी वाटर। तो गिवन में से कौन सा वो मटीरियल है, मेटल है, जो जिसका जहाज वगैरह समुद्री जहाज वगैरह बनाने में यूज़ होता है, पनडुब्बी बनाने में यूज़ होता है, क्योंकि वो जो मटेरियल है, वो जो मेटल है, उसमें वो जंग नहीं लगता है, ठीक है, कोरेड नहीं होता है। गिवन में से कौन सा इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए है टंगस्टन, ऑप्शन बी निकल, ऑप्शन सी एंटीमोनी, ऑप्शन डी टाइटेनियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी टाइटेनियम, ठीक है। टाइटेनियम वो मेटल है जिसका यूज़ किया जाता है समुद्री जहाज पनडुब्बी वगैरह बनाने में, क्योंकि ये जो मेटल है इसमें जंग नहीं लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, अ क्लोज बॉटल कंटेनिंग वाटर एट अ रूम टेम्परेचर हैज़ टेकन टू द मून एंड देन द लिड इज ओपन द वाटर विल। कह रहा है आपके घर में जो पानी की बोतल होती है, जो रूम टेम्परेचर आपके हाथ में अभी जो पानी की बोतल होगी, आपके आसपास जो पानी होगा, अगर उस पानी को क्या करें मून पे ले जाएं और तब जाके उस बोतल का ढक्कन खोलें, तो पानी के साथ क्या होगा, क्या पानी फ्रीज हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा, क्या पानी बॉयल हो जाएगा, या क्या पानी डिकम्पोज इंटू ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन जाएगा, या कोई चेंज नहीं होगा। इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन, तो क्या होगा पानी के साथ, क्या पानी फ्रीज हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा, क्या पानी बॉयल होगा, या क्या डिकम्पोज हो जाएगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन में, या कोई चेंज नहीं होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पानी फ्रीज हो जाएगा, पानी बर्फ बन जाएगा, क्योंकि जो मून का टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। बात किया जाए टेम्परेचर कितना होता है, तो 180 डिग्री सेल्सियस माइनस में, -180 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है मून पे टेम्परेचर अभी के हिसाब से बात किया जाए तो, लेटेस्ट डाटा 183 से कम है, ठीक है। इतना ज़्यादा नेगेटिव टेम्परेचर है, इतना ज़्यादा ठंड है वहाँ पे, तो वहाँ क्या होगा, और पानी को बर्फ बनने के लिए तो सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए, यहाँ पे तो माइनस है, तो वहाँ पे पानी आपका फ्रीज हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 है, ऑन द लेबल्स ऑफ द बॉटल सम सॉफ्ट ड्रिंक्स आर क्लेम्ड टू बी एसिडिटी रेगुलेटर, दे रेगुलेट एसिडिटी यूजिंग क्या। कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल होती है, फॉर एग्जांपल जनरली लिमका का यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जाता है घरों में, लिमका का यूज़ एसिडिटी के टाइम पे, जब एसिडिटी होती है किसी को तो बोलते हैं लिमका पी लो, कोका कोला वगैरह नहीं, लिमका पी लो,
तो ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतलें होती हैं ये कहती हैं कि हम एसिडिटी रेगुलेट करती हैं। क्यों कहती है ये? ऑप्शन ए, क्या इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो मौजूद होता है इनकी वजह से। ऑप्शन बी, क्या इनमें जो बाइकार्बोनेट सॉल्ट जो मौजूद होता है इनकी वजह से। ऑप्शन सी, ऊपर के दोनों मौजूद होते हैं इसलिए। ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम होता है इस वजह से। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाइकार्बोनेट सॉल्ट की वजह से। तो बाइकार्बोनेट सॉल्ट की वजह से जो कंपनीज होती हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की, वो क्लेम करती है कि हम क्या करते हैं, एसिडिटी रेगुलेट करते हैं। ठीक है, ये जो पीएच होता है उसको बॉडी का, उसको एक तरीके से कह सकते हो कंट्रोल करने में, बैलेंस करने का काम करता है बाइकार्बोनेट सॉल्ट, इसीलिए ऐसा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ वाटर इन द ओशन। तो जो ओशन में पानी का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, गिवन में से कौन सा वो गैस है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे वो बात कर रहा है, क्योंकि देखो पानी का लेवल कब बढ़ेगा ज़्यादा, जब क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। अर्थ का टेम्परेचर कौन बढ़ाता है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ाती है। तो गिवन में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस है, अगर आप ये ढूंढ लो यहाँ पे, तो इसका आंसर आपका निकल जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट कह लो, सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है जो अर्थ के टेम्परेचर बढ़ने का रिस्पॉन्सिबल कारण है। और अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऊपर क्या होगा, जो आइस बॉक्स वगैरह है वो मेल्ट होंगी, और वो मेल्ट होकर कहाँ जाएंगी, आपके ओशन में जाएंगी, और ओशन का पानी का होगा लेवल बढ़ेगा। इसके अलावा और कौन सी गैसेस है, तो वाटर वेपर होती है, ठीक है, CH4 मीथेन होता है, ओजोन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है। तो ये वो गैसेस हैं आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाती हैं, जिनकी वजह से ओशन का पानी का लेवल बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, फूड कैंस आर कोटेड विथ टीन बट नॉट विथ जिंक बिकॉज। तो फूड कैंस जो होते हैं, खाने के जो आपके डब्बे होते हैं, कई बार जैसे फॉर एग्जांपल जो ऑयल आता है, ऑयल का जो कंटेनर आता है छोटा 25 किलो वाला, वो सब टीन के वो बने होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो टीन की बनी होती हैं। इसका रीज़न क्या है, जिंक का क्यों नहीं होता है वो। ऑप्शन ए जिंक इज़ कॉस्टलियर देन टीन, ऑप्शन बी जिंक हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट देन टीन, ऑप्शन सी जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन टीन, ऑप्शन डी टीन इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। इसका राइट आंसर काफ़ी सिंपल है। देखो खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उनमें ऐसा मटीरियल यूज किया जाता है जो लेस रिएक्टिव हो, जो कम रिएक्टिव हो, ठीक है, जो कम रिएक्टिव हो, जो खाने में जो चीज़ें होती है उनसे रिएक्शन ना कर बैठे। तो जिंक क्या होता है, जिंक काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन कर लेता है, मोर रिएक्टिव होता है टिन के कंपैरिजन में, इसलिए टिन का यूज़ किया जाता है, ठीक है, खाने में, ना कि जिंक का। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग मिल्क इंटू कर्ड। जो मिल्क से दही, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, तो दूध से दही बनने का कौन चीज चीज़ है यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल है, क्या वो फंगी है, बैक्टीरिया है, वायरस है, या नन ऑफ दिस। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बैक्टीरिया। और कौन सा बैक्टीरिया, तो लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस वो बैक्टीरिया होता है जो दूध को दही बना देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लास 8 में भी मिल जाएगा आपको चीज़ें। गोल्डन फाइबर रेफर्स टू, गोल्डन फाइबर को गिवन में से क्या नाम से जानते हैं, ठीक है, या ऐसे कह सकते हो कि इनमें से कौन सी वो चीज़ है जिसे गोल्डन फाइबर बोलते हैं। ऑप्शन ए हेम्प, ऑप्शन बी कॉटन, ऑप्शन सी जूट, या ऑप्शन डी नायलोन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी जूट। तो जूट क्या है, इसे गोल्डन फाइबर बोलते हैं, ठीक है, जूट क्या है, इसे गोल्डन फाइबर बोलते हैं। तो ये थे आज के आपके अगले 20 इंपॉर्टेंट MCQ जिसे आप आने वाले EPFO एग्ज़ाम में देख सकते हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है आपके एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम को ध्यान रखते हुए मैं यहाँ पे अदर एग्ज़ाम के लिए अभी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ आपके इस एग्ज़ाम की इंपॉर्टेंस। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो,
काम के हैं आपके ये वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि वीडियो कौन सी आ रही है। अभी इस वीडियो का पीडीएफ आप ले सकते हो रीअकैडमी के टेलीग्राम चैनल पे, रीअकैडमी को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, लेकिन अभी ना ही करो, पढ़ो बैठ के, ठीक है। इसका पीडीएफ आप ले लेना और कुछ दिन बाद फॉर एग्जांपल कल आप इस पीडीएफ से प्रैक्टिस एक बार ज़रूर कर लेना खुद से कि आपने कितना स्कोर किया है आज के लेक्चर को देखने के बाद, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।